आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग एसबीआई सिक्योरिटीज़ की वेबसाइट के जरिए कि अपना फाइनेंशियल लेजर किस तरीके से देख सकते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को गूगल पर सर्च करना है sbisecurities.in। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने साइट खुली हुई है एसबीआई सिक्योरिटीज़ की। तो इसमें आपको जो लॉगिन टैब बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए हमारे सामने एक पॉपअप आ गया है, इसमें आपको अपना क्लाइंट कोड डालना है और सबमिट कर देना है। तो देखिए हमारे सामने एक नया पेज खुल गया है, तो यहाँ पर आपको अपना क्लाइंट कोड डालना है, पासवर्ड डालना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। चलिए मैं इतना कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आप लोगों को क्या करना है। चलिए कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हम अपनी SBI सिक्योरिटीज़ की साइट में लॉगिन हो चुके हैं। तो देखिए आप लोग जो पर्पल कलर से टैब बना हुआ है उसमें मैंने येलो कलर से डिब्बा बनाया हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स, उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। तो देखिए हमारे सामने एक मेन्यू खुल जाएगा। तो देखिए मैंने जो उसमें येलो कलर से डिब्बा बनाया हुआ है इसके अंदर लिखा हुआ है फाइनेंशियल लेजर, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने एक नया पेज खुल गया है। तो देखिए हमने अपनी इसमें डेट सेलेक्ट कर ली, हमको जितने से जितनी तारीख तक का फाइनेंशियल लेजर देखना है। और देखिए आप साइड में देखेंगे तो लिखा हुआ है व्यू रिपोर्ट वाला बटन, उसके ऊपर आप लोग क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो देखिए हमारे सामने हमारा फाइनेंशियल लेजर आ चुका है। इसमें हमने जितना भी ट्रेड किया है, जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं, उसमें सारी डिटेल्स होती है। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।